ये क्या है इसके बारे में? ये इस फिल्म का सबसे हॉट सॉन्ग है और मैं हीरो को अपने बस में करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं ये गाना और ये डांस प्ले कर रही हूँ। मैं उफनल जवनिया इसका लिरिक है, जो कि एस कुमार जी ने दिया है, तो म्यूज़िक जीतू तपन जी ने दिया है और फिल्म के डायरेक्टर अनिल एस मेहता जी हैं। तो कुल मिला के फिल्म बहुत बहुत प्यारी बन रही है और आपने गाने के कुछ शॉट देख ही लिए। हम लोग पूरा पूरा जोर मार के काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये काम जो हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो लोगों को पसंद ज़रूर आना चाहिए। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान मीडिया को एक मैसेज मिला था कि आपका एक डायलॉग बड़ा हिट हुआ है, तवेला हटाओ, पतीला हटाओ, पतीला हटाओ। तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को ये डायलॉग एक बार जरा बोल के दें। राहुल पतीला हटाओ, एक बार राहुल पतीला हटाओ। देखिए वो तो मेरे डायरेक्टर साहब बता पाएंगे नया क्या देखने को मिलेगा। आपने मुझे हमेशा से बहुत ही इंडियन गेटअप में बहुत सारी फिल्मों में देखा है, बैक टू बैक देखा है इंडियन गेटअप में, साड़ी में और इसमें, बट इस फिल्म में पहली बार आप मेरा थोड़ा सा मॉडर्न गेटअप देख पाएंगे। और नागेंद्र उजाला जी ने मेरा साथ दिया है इस फिल्म में, मेरे हीरो हैं नागेंद्र उजाला जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी है इनकी और आवाज़ के तो बहुत इनके कायल हैं लोग। तो नया आप मुझे नए मॉडर्न गेटअप में देख पाएंगे, मेरे नए स्टाइल का डांस देख पाएंगे पहली बार। और मेरे अंदर ये जो हुनर है कि मैं मॉडर्न गेटअप में भी बहुत झक्कास दिखती हूँ, ये अनिल एस मेहता जी ने पहचाना है, तो मैं इनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। बोलिए अनिल जी। सबसे पहले सभी दोस्तों को सादर प्रणाम, मैं लोक गायक नागेंद्र उजाला बिहार गोपालगंज से, लॉर्ड बोलिए, और ये मेरी तीसरी फिल्म है जिसके निर्देशन कर रहे हैं अनिल एस मेहता जी और साथ में काम कर रही है कल्पना साजी। मुझे बहुत खुशी हो रही है सर के निर्देशन में काम करके और बड़ी एक्साइटेड हूँ मैं कल्पना जी के संग काम करके, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इनकी फिल्म देखते आ रहा हूँ और बेसिकली मैं गायक हूँ और गायक से नायक की तरफ ही मेरी तीसरी फिल्म है और बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, मास्टर जी का बहुत प्यार, क्योंकि मास्टर जी के संग मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं नाम सुन करके वहाँ डरा हुआ था कि मास्टर जी के संग कैसे काम करेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस फिल्म का नाम है तोहरा अखिया के काजल हमार जान ले गई। मैं इसी गीत को एक लाइन गुनगुना देना चाहूँगा आपको। सबसे पहले आपने इनको बोले कि आपने इनको बोले? दरअसल इस फिल्म में दोहरी भूमिका में हूँ, गांव के कैरेक्टर में हूँ, गांव का रहने वाला हूँ। मैं कमाने प्रदेश आता हूँ, बॉम्बे आता हूँ कमाने के लिए और इन्हीं के ऑफिस में मैं जाता हूँ नौकरी मांगने के लिए और इनसे मुलाकात होती है और ये मुझे दिल दे बैठती है। पहली बार तो यही मुझे आई लव यू बोली है। हाँ, स्टोरी में फर्स्ट टाइम मैंने ही इनको आई लव यू बोला है और मैंने ही इन्हें अपनी तरफ मतलब खुद से प्यार करने पे मजबूर किया है। हमारे दर्शक चाहते हैं कि वो आई लव यू ऑन स्क्रीन मीडिया वालों के सामने जरा अपने हीरो को बोलना है रोमांटिक अंदाज में, जैसे उससे बोले होंगे। आई लव यू दीपक, आई रियली लव यू। हां तो बोलो ना सर। I'm so sorry. मैं देखिए, मैं तोर अखिया के काजल हमार जान लगे में एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा हूँ। जो लोग गांव से प्रदेश में कमाने के लिए आते हैं और यहाँ पे आने के बाद अपने परिवार को भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं उसका मतलब ये फिल्म में मैं दर्शाया हूँ कि यहाँ किसी से प्यार हो जाता है, अपनी बीवी को, अपने बाप को, अपने माँ को, घर को सब भूल जाता है, क्योंकि यहाँ के मतलब वातावरण, यहाँ का माहौल, यहाँ का वो इतना हो जाता है कि घर वालों को भूल जाता है
और जब उसके गांव की जो बीवी होती है आती है और कैसा उसको एक मतलब होता है शेरनी के मुंह से, जो मेम साहब हैं कल्पना जी, इसके मुंह से गांव की औरत कैसा अपने पति को निकाल कर जाती है, बस यही एक मेरा कहानी है। और एक बहुत बड़ा संदेश है कि हम लोग कमाने आते शहर में, यहाँ घर बार को मतलब कर्जा उतारने करने, लेकिन यहाँ आकर के हम लोग गलत संगति में पड़ के, गलत लोगों के चक्कर में पड़ के, या समझो गलत मतलब वो प्यार वगैरह करके हम लोग फंस जाते हैं यहाँ पे। बाद में जब वो नींद खुलती है तो पता चलता है कि हम बहुत गलत किए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है इस फिल्म में, और ये फिल्म पूरा संगीतमय और स्टोरी बेस्ड फैमिली ड्रामा है, पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। तो रक्षा के काजल हमारे जान ले गए, ये बहुत मतलब पारिवारिक और रोमांटिक और एक्शन ड्रामा भी सब है इसके अंदर, पूरा फुल मसाला। इससे पहले एक मेरी फिल्म, इससे पहले एक मेरी मूवी रिलीज होने जा रही है दिसंबर लास्ट वीक में, देवरा सुपरस्टार, वो भी पूरा धमाकेदार है, मनोजर पांडे उसमें हीरो है और बहुत अच्छी फिल्म है। उसमें 50-50 फाइटर वगैरह सब काम किया है, मैं बोला वो मतलब इस साल की सबसे बड़ी हिट होगी वो। उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, इसमें भी अच्छे अच्छे गाने हैं, इसमें सब टॉप के सिंगर गाए हैं। तो फिल्म मेरी अभी 2-3 फिल्में आ रही है जो एक अच्छा मतलब मैसेज जाएगा समाज को, उसमें भी एक फैमिली ड्रामा है, ये भी एक फैमिली ड्रामा है। बोला दिसंबर लास्ट वीक में मेरी देवरा आ जाएगी, ये फरवरी में आएगी। मास्टर जी की तरफ जाना चाह रहे हैं, मास्टर जी अभी अभी हम लोगों ने देखा बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गाना को फिल्मा रहे थे, हम आपसे जानना चाहते हैं दर्शकों के नजरों में ये फिल्म और ये गाना कितना चढ़ पाएगा, कितना लोकप्रिय हो पाएगा, कितना लोग चाहेंगे, हम आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले भोजपुरी समाज को मेरा प्रणाम, और जितने भी दर्शक मुझे चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। अभी तक भोजपुरी में जितने हिट गाने हैं, चाहे छलकता हो, रात दिया हो, बरजाता रोटी पसीना से हो, या फिर वोट ले लिया निरवा हिंदुस्तानी का गाना हो, या मनोज तिवारी जी का हाफ पैंट वाली हो, या दिनेश का ओगेल में प्यार उड़ने वाली में जालीदार कुर्ती हो, केसारी का लालटेन हो, बहुत सारे गाने मेरे हिट हैं। और मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि मेरे हर गाने हिट हो, और मेरा प्यार और आशीर्वाद कल्पना के लिए है, नागेंद्र के लिए है। और हम लोग हिंदी फिल्म में मिले थे, आज पहली बार हम लोग भोजपुरी में एक साथ काम कर रहे हैं 8 साल बाद, और मेरा प्यार आशीर्वाद सब इस फिल्म के लिए है, अनिल के साथ है। और दुआ करूँगा और प्रे करूँगा कि आप लोग भी इस फिल्म को थिएटर में जाके देखिए, यूट्यूब का वेट मत कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि अच्छी फिल्में थिएटर में देखनी चाहिए, मोबाइल पर नहीं। मास्टर जी आपका बहुत अच्छा नाम है मार्केट में, बहुत सारे कोरियोग्राफर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने काम किया, आपका जो नाम है मतलब किंग कहा जाता है आपको, एज ए मास्टर महादेव महादेव सबसे हिट गाने। आज पहली बार मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ, तो आपका नाम मैंने बहुत सुना, क्या खासियत है आपके अंदर? कुछ खासियत नहीं है, चहेते बने रहते हैं। मैं बताऊंगी थोड़ा सा इस बारे में, मैं कहना चाहूंगी, देखिए मास्टर जी का बिहेवियर तो क्लास है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, बहुत प्यार मोहब्बत वाले इंसान है, लेकिन काम इनका मतलब कहती हूँ मैंने अब तक, हाँ काम के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जो चाहिए वो शॉट चाहिए, शॉट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, नहीं आता तो 4 बार बेशक रिहर्सल करवाएंगे, लेकिन अच्छा करवाते हैं और हमेशा शॉट परफेक्ट दिलवाते हैं, आर्टिस्ट से भी, टेक्नीशियन से, सबसे। और अब तक मैंने बहुत सारे कोरियोग्राफर्स के साथ साथ में काम किया है, सबके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन मास्टर जी के साथ में दिल से बता रही हूँ, मैं आत्मा से बता रही हूँ, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है काम करके इनके साथ। God, पहले God भी हम लोग काम कर चुके हैं मास्टर जी के साथ, हिंदी फिल्म किए थे हम लोग छल कबड्डी, छल कबड्डी हम लोग हिंदी फिल्म किए पहले मैं और मास्टर जी, उसमें भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और आज तो मुझे बहुत ही आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, थैंक यू सो मच मास्टर जी, थैंक यू सो मच। आज बस इतना कोशिश कर रहा हूँ कि ये गाना छलकता जैसा हिट हो, बरजाता रोड़ी पसीना जैसा हिट हो, रात दिया जैसा हिट हो, पलंगिया जैसा हिट हो। आप लोग प्यार और आशीर्वाद नागेंद्र को दीजिए, कल्पना को दीजिए और अनिल को दीजिए। कल्पना जी आपकी आने वाली कुछ और फिल्में हैं? हाँ बिल्कुल, मेरी बहुत सारी फिल्में शूट होकर भी रेडी आने वाली, मेरी हिंदी फिल्म आ रही जिसका टाइटल है, वो पंजाबी, बेसिकली पंजाबी बैकग्राउंड पे बनी स्टोरी है, जिसका टाइटल है क्या फ़र्क पड़ता है, फिल्म का टाइटल है, और कहानी बहुत अच्छी है, हमने पूरी फिल्म को यूरोप में शूटिंग किया है, और उम्मीद है कि कमिंग नेक्स्ट ईयर वो फिल्म रिलीज़ हो जाएगी। उस फिल्म में अच्छे सिंगर्स हैं, जावेद अली, श्रेया घोषाल जी ने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, और स्टोरी बहुत अच्छी है, वुमेन ओरिएंटेड स्टोरी है वो, जो कि मेरे ऊपर पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है, तो उम्मीद करती हूँ क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी फिल्म बहुत अच्छी जाए। भोजपुरी में बहुत सारी फिल्में आ रही, तकदीर आ रही है,
और भी कई सारी कहानी और मुझे इस फिल्म का भी इंतज़ार रहेगा बेसब्री से, क्योंकि अनिल जी हैं, उजाला जी हैं, मास्टर जी हैं, सब मेरे साथ में हैं, तो मुझे इस फिल्म का भी बहुत इंतज़ार रहेगा। ये जो फिल्म है, वैसे तो सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधु जो यहाँ पे हैं सब मुझे जानते ही हैं, और मैं एक पत्रकार होने के नाते आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। आज हमारी फिल्म की यहाँ शूटिंग चल रही है, जिसका नाम है तोहर अखिया के काजल हमर जान ले गई। ये भोजपुरी फिल्म है, एक पारिवारिक फिल्म है, एक्शन है, रोमांस है, इस फिल्म में सब कुछ है। लेकिन पहली बार इस फिल्म में आपके ये पत्रकार भाई राहुल खन्ना यानी मुन्ना मोबाइल पहली बार विलन बन करके भोजपुरी इंडस्ट्री में इस फिल्म से बड़े पर्दे पे आ रहे हैं। किस प्रकार का सर विलन है वो, क्या करता है वो? देखिए, ये विलन जो है अपने जो हीरो दोस्त है, इसमें दो दोस्त की कहानी है। एक दोस्त को प्यार नहीं मिलता है, उस दोस्त को आखिरी सांस तक मरते दम तक उसके प्यार को सपोर्ट देने के लिए वो लड़ता रहता है दूसरे विलन से। यानी कि विलन है लेकिन पॉजिटिव विलन है। वो यही चाहता है कि ये जो मेरा दोस्त है, दूसरा हीरो जो है, दो लड़की है, एक लड़की से वो प्यार करते हैं, और लेकिन चाहत उनके मन में ही है कि इस लड़की से हमारी शादी हो जाए, लेकिन वो लड़की इस दोस्त को नहीं चाहता है। और एक गांव से आया हुआ नया लड़का उस लड़की को प्रेम हो जाता है। मैं बीच में इसीलिए आता हूँ, उनको समझाते हैं, और उसमें जो भी ड्रामा है, हमारे इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अनिल मेहता जी, उन्होंने बहुत ही बखूबी बहुत बढ़िया तरीके से इस फिल्म को दर्शाया है। हमारे जो भोजपुरी सिनेमा के दर्शक हैं, इस फिल्म को अपने नज़दीकी सिनेमा हॉल में जाकर ज़रूर देखें, अपने परिवार के साथ में, बीवी के साथ में, बच्चों के साथ में। इसमें कोई भी ऐसा सीन नहीं है जो आपको देखने में शर्मिंदगी सी महसूस हो, क्योंकि साफ सुथरी फिल्म है, एक्शन मूवी है, रोमांस है, सब कुछ है इसमें, लेकिन एक अच्छी और पारिवारिक फिल्म है। जी, देखिए इसमें जो दो हीरो हैं, एक जो इसमें हीरो हैं नागेंद्र उजाला जी, भोजपुरी सिनेमा के बहुत बड़े गायक कलाकार हैं वो, और दूसरे जो हीरो हैं पंकज तिवारी जी, सॉरी प्रकाश तिवारी। तो प्रकाश तिवारी जी भी इसमें सिंगर हैं, और कल्पना शाह जी हीरोइन हैं। और इसमें ससुरा बड़ा पैसे वाला पार्ट टू की जो लेटेस्ट हीरोइन अभी जो है नेहा प्रकाश, वो इसमें दूसरी हीरोइन है। यानी दो हीरोइन और दो हीरो के बीच में एक ही अकेला मुन्ना मोबाइल खड़ा रहता है। ओके, थैंक यू। जी।